कल सुबह चित्तौड़ में जहां रक्त तिलक होते दिखाई दिया, तो शाम होते होते उदयपुर में रक्त रंजित दृश्य आने शुरू हो गए। मेवाड़ जिसने दुश्मनों के दांत खट्टे हुए लगातार मेवाड़ राज परिवार के माध्यम से गौरव का एहसास किया था, कल वही मेवाड़ इस लड़ाई को देखकर शर्मिंदा होता दिखाई दिया। जी हाँ, जो कल का पूरा दिन बीता उसका जो आखिरी सच निकल कर आ रहा है वो यह कि कल सुबह महाराणा बने महाराणा विश्वरासीय मेवाड़ शाम होते होते भी अपने आराध्यों के दर्शन कर नहीं पाए। अनुमतियों के इंतज़ार में वो लंबे समय तक वहाँ बैठे रहे। एक अच्छा खासा जमावड़ा वहाँ उनके आसपास देखा गया, लगातार मांग नज़र आई, मगर बदले में जो मिला वो सिर्फ पत्थर थे। और इस पूरे के पूरे घटनाक्रम में जो सबसे बेबस, सबसे लाचार, सबसे पंगु अगर कोई दिखाई दिया तो वो प्रशासन और पुलिस। ऐसा लगा कि वो स्थितियों को संभालने के दावे और वादे तो ज़रूर कर रहे थे, मगर उनके पास भी उन बरसते पत्थर से दूर भागने के अलावा कुछ बचा नहीं था। स्थितियों के सामने प्रशासन इतना असहाय नज़र आया कि कुर्की के आदेश तक जारी कर दिए, मगर स्थितियों के समाधान नहीं निकले। और फिर कल देर रात जब वो इंतज़ार लंबा हो जाता है तो विकल्प बड़े कम बचते हैं। उन कम विकल्पों में से एक विकल्प यह कि आज जाते हैं, कल फिर आएंगे। इसी एक बात के साथ कल के उस पूरे दिन का समापन हुआ। हालांकि दावा ये क्या कहा जा रहा है कि आज सब कुछ ठीक हो जाएगा, आज सब कुछ सही हो जाएगा। कलेक्टर अरविंद पोसवाल इस दावे को करते रहे, कुर्की की बात के माध्यम से कह रहे थे कि चीज़ों को सुधार लिया जाएगा, मगर खबर यह भी निकल कर आ रही है कि आज 12 बजे पुनः एकजुट होने का आह्वान किया गया है। अब उससे पहले क्या कुछ संभलता है, क्या कुछ ठीक हो जाता है, ये अपने आप में अलग विषय है। मगर सबसे जो बदतर हालात वहाँ पर दिखाई दिए कल शाम, जो उदयपुर का पूरा घटनाक्रम रहा, उसमें ऐसा लगा कि प्रशासन के हाथ में कुछ बचा ही नहीं, सिर्फ हाथ बांधे हालातों को देखता नज़र आया। पुलिस मुर्दाबाद के नारे लगे, प्रशासन हाय हाय के नारे लगे, मांग लगातार, कभी आक्रोश, कभी शांति, कभी समझाइश, कभी वार्ता के माध्यम से बार बार रखी गई। अगर कुछ नहीं मिला तो समाधान तो अपने आप में आश्चर्य का विषय है कि मेवाड़ का राज परिवार, हालांकि उसके खाते सदा सालों से संघर्ष ही लिखे हुए थे, मगर कल सुबह जो महाराणा बने, शाम होते होते वो भी संघर्षों में गिरे दिखाई दिए। और उससे भी बड़ा दुर्भाग्य यह कि वो अपने ही आराध्यों के दर्शन नहीं कर पाए। तो कल के दिन की हम कितने भी विवेचना कर दें, विश्लेषण कर दें, अलग अलग चर्चाएँ और सुर्खियाँ उस पर हम बातों के माध्यम से आप तक पहुँचा दें, मगर जो आखिरी सत्य, जो अंतिम सत्य निकल कर आया वो यह कि मेवाड़ महाराणा विश्वराज सिंह कल अपने आराध्यों के दर्शन नहीं कर पाए। वो दर के बाहर बैठे रहे, अनुमतियों का इंतज़ार चलता रहा, दर्शन नहीं हो पाए। अब आज देखने वाली बात यह होगी, क्योंकि कुर्की के आदेश तमाम चीज़ें चल जरूर रही है, मगर आज देखने वाली बात यह होगी कि मेवाड़ महाराणा का ये इंतज़ार और भी लंबा चलता है। क्या लोगों को तंज कसने का, उपहास उड़ाने का और भी अवसर मिलता है, या अब चीज़ें समाधान की तरफ बढ़े। सबू पहला आज के दिन आप जो मारो साथ दीदो बनी वास्ते आप सभा ने मारो बहुत बहुत धन्यवाद। और मने खुशी है कि मेवाड़ा मनक सही बात वास्ते आवाज़ उठा सके, और मारे और भी खुशी है कि सही बात वास्ते आवाज़ उठा सके लेकिन कानून हाथ में नहीं ले रहे, सभ्यता हूँ आवाज़ उठावे, क्योंकि मेवाड़ साहस वास्ते तो मशहूर है लेकिन सभ्यता वास्ते भी मशहूर है। तो जटे भी गलत काम ले रहे हो, आपने आवाज़ तो उठानी है लेकिन कानून हाथ में नहीं लेना। तो बात तो आज भी बात शुरू हुई कि आप मने तो सिर्फ दर्शन करना हो, लेकिन बात ऐसी बढ़ी कि अब कहीं रात रात 2 बज गया लेकिन अब तक कहीं नहीं व्यो दर्शन रहे साहब। लेकिन एक बात भी खेद है कि कई तरह हूँ जो प्रशासन भी जो कमियाँ हैं, जो कमियाँ हैं वह नज़र आई कि अतरो समय वे गयो लेकिन फिर भी दर्शन नहीं रह सके। लेकिन एक चीज़ जो है, एक तो है जो कानून है और एक है जो प्रैक्टिकलिटी है। तो आप जो रस्तो निकलियो है आज के जो सरकार ने हिसाब वे नोटिस पेश कर रखे है दीवार पर, गेट पर, कि अभी बटे रिसीवर नियुक्त करियो गयो है। रिसीवर मतलब जो पुलिस वाला जो पोजीशन है बनारे हाथ में ही रहेगा। तो यो या कार्रवाई पोजीशन लेवारी कार्रवाई कल सुबह शुरू होगा, और जो लोग पत्थर फेंकिया बटे सू, जो बोतला फेंकी बनारे खिलाफ FIR फाइल करेगा। यो आश्वासन जो कलेक्टर साहब दूसरे जब आप बटे बैठे आ सबारे सामने यो आश्वासन कलेक्टर साहब दियो है कि यो रिसीवरशिप कार्रवाई सुबह शुरू होगा और FIR की कार्रवाई भी कल सुबह शुरू होगा। तो अनी वास्ते यो रस्तो ठीक आज वास्ते तो ठीक है। तो आपने सिर्फ ध्यान रखना है कि कल सुबह जो रिसीवर नियुक्त कर गए वह काम शुरू करे कि नहीं करे। आपने तो सिर्फ यही है कि काम शुरू करे काले।
जो आपने आश्वासन दियो घनी वास्ते मारे ख्याल आप सब शांतिपूर्वक रहा और कल सुबह जो भी वेगा अब काले ही वेगा। तो आप सबा ने मारे बहुत बहुत धन्यवाद।